पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। और ऊपर आ जाइए सर, मैडम और आगे सर, मैडम और आगे। दो दिवसीय दौरे पर उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा लखीसराय पहुंचे, जहां उन्होंने मुंगेर जमुई लखीसराय कोऑपरेटिव बैंक एटीएम का उद्घाटन फीता काटकर किया। उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने पहुंचते ही मुंगेर जमुई लखीसराय के अध्यक्ष मिंटू देवी ने बुके देकर सम्मानित किया। साथ ही विजय कुमार सिन्हा ने एटीएम से पैसे की निकासी भी की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सहकारिता समन्वयक का, सामंजस्य का और विकास का एक बड़ा माध्यम है। आज गुजरात जैसे प्रदेश सहकारिता ही उनको नंबर वन राज्य के रूप में ले गया है। बिहार में सहकारिता को उस रास्ते पर ले जाना बड़ी भूमिका को निर्वाहन करना है। लोगों को विश्वास पर खरा उतरना और उनके विश्वास को आगे बढ़ाना ये बड़ी जिम्मेदारी है और उस ओर एक कदम बढ़ा दिया गया है, इसकी शुभकामनाएं देता हूँ। ये श्री बाबू की धरती है और श्री बाबू के धरती पर सामाजिक समरसता के भाव को भी बढ़ाना, एग्रीकल्चर के लघु कुटीर उद्योग को विशेष रूप से जोड़े ताकि आगे बढ़ने में अहम भूमिका निभाएं। मुंगेर जम्मू सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के द्वारा आज जो एटीएम का उद्घाटन कार्यक्रम रखा गया है और सहकारिता समन्वय का, सामंजस्य का और विकास का एक बड़ा माध्यम, आज गुजरात जैसे प्रदेश में सहकारिता ही आज उसको नंबर वन राज्य के रूप में ले गया। बिहार में सहकारिता को उस रास्ते पर ले जाना, बड़ी भूमिका को निर्वाहन करना, लोगों के विश्वास पर खरा उतरना और उसके विश्वास को आगे बढ़ाना, ये बड़ी जिम्मेवारी है और उस ओर कदम बढ़ा दिया है, हमारी शुभकामना है। मुंगेर जमुई सेंट्रल कोऑपरेटिव के चेयरमैन, एमडी, यहाँ पर उनके सारे सदस्यों को, उपाध्यक्ष को, कि निश्चित तौर पर ये श्री बाबू का धरती है और श्री बाबू के धरती पर ये सहकारिता समरसता, सामाजिक समरसता की भाव को भी बढ़ाना और इसको एग्रीकल्चर से, लघु कुटीर उद्योग से हम विशेष तौर पर जोड़ें ताकि ये आगे बढ़ने में अहम भूमिका निभावे, यही हमारी कामना है। बहुत बहुत ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी पोस्ट लाइव।